दोस्तों वन प्लस लॉन्च करने जा रहे हैं वन प्लस का एक पैड जो कि 25 अप्रैल को आपको इंडिया में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगा। वन प्लस पैड का काफी स्पेसिफिकेशन के बारे में आप लोगों को पता है, पर मैं आज बताऊंगा वन प्लस पैड का कुछ फैक्ट्स जो कि आपको जान लेना बहुत जरूरी है बिफोर लॉन्च इवेंट, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि आपको आने वाले टाइम में ये टैबलेट लेना है कि नहीं। वन प्लस पैड के अंदर जो डिस्प्ले है वो है 144Hz रिफ्रेश रेट वाला, पर वो कुछ ही एप्लीकेशन के अंदर सपोर्ट करेगा, बाकी पूरी फोन के अंदर आपको 120Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वन प्लस पैड सपोर्ट करता है 10-बिट कलर। अब वन प्लस पैड जो 10-बिट कलर सपोर्ट करता है उसमें 8-बिट वो हार्डवेयर के थ्रू मैनेज करेगा और 2-बिट सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज करेगा, मतलब आपको 8-बिट का बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है। वन प्लस पैड के अंदर जो ब्राइटनेस नीट्स मिलेगा वो है 500 nits का ब्राइटनेस, मतलब आपको आउटडोर में ठीक ठाक ब्राइटनेस तो देखने को मिल जाएगा अगर आप फुल ब्राइटनेस करोगे, पर अगर आउटडोर में बैठ के आप कुछ करना चाहते हो जैसे ज़्यादातर लोग टैबलेट लेके करना चाहते हैं तो वो आपको काफ़ी आराम से नहीं होगा। वन प्लस पैड के अंदर 9510mAh बैटरी देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी बैटरी है, और मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूँ एक 8000 का जो बैटरी बैकअप है वो कितना हो सकता है मुझे पता है, तो 10000 का बैटरी बैकअप भी भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। पर अगर आप बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं करेंगे तो 50 डेज का ये स्टैंड बाई टाइम आपको दे देगा, वरना अगर आप काम करते रहोगे तो बैटरी वैसे भी डाउन होता रहेगा। अभी बात करते हैं कि आप लोगों को बताया कि 9510mAh बैटरी वन प्लस पैड के अंदर दिया गया है और इसके साथ 67W का चार्जर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो इसको चार्ज करने में एक्चुअली कितना टाइम लगेगा। 67W का जो चार्जर है इससे 0 to 86% चार्ज होने में इसको 60 मिनट ताकि 1 घंटा के आसपास टाइम लगेगा, और 0 to 100% चार्ज होने में 80 मिनट मतलब 1 घंटा 20 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो इसके अंदर वन प्लस क्लेम कर रहा है कि आपका जो चार्जिंग है वो काफ़ी आराम से कंप्लीट हो सकता है। कुछ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि सॉफ्टवेयर के अंदर दिया गया है, ऑटो कनेक्ट, सेलुलर डेटा शेयरिंग, क्रॉस स्क्रीन ट्रांसमिशन एंड टीवी कंट्रोल, ये जो सारा फीचर्स है ये बेसिकली ओटी अपडेट्स के थ्रू ही आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा। जो आपको डुअल डिस्प्ले दिया जाएगा जो साइड बाय साइड स्क्रीन का सपोर्ट होगा वो कुछ ही ऐप्स के लिए लिमिटेड होगा, मतलब पूरी फ़ोन को आप वैसा नहीं कर सकते, कुछ एप्लीकेशन है जो एप्लीकेशन वो डुअल डिस्प्ले को सपोर्ट करता है उसी एप्लीकेशन से आप उसको काफ़ी आराम से स्ट्रेच करके यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों ओवरऑल वन प्लस पैड जो कि बहुत ही पावरफुल पैड है, मतलब बहुत ही पावरफुल टैबलेट है जो कि आने वाले टाइम में 25 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है, इसीलिए मैंने आप लोगों को कुछ फैक्ट्स बता दिया, बट नो डाउट ये टैबलेट सबसे ज़्यादा अच्छा है। अगर ये 30 to 35,000 rupees के अंदर लॉन्च होता है तो मैं बोल सकता हूँ किसी को भी आराम से iPad को डिच करके ये लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर वो सारे सब कुछ है जो कि आराम से आपको कोई भी काम करने में हेल्प करेगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आने वाले टाइम में हम ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। गुड बाय।